एक बटे दो बराबर कितना होगा? इसका जब आधा की इसका भी आधा करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 50%। एक बटे तीन बराबर कितना होगा? क्या 3/3%। याद रख लो इस सबको, क्योंकि तुम अगर देखो ऐसा हम ही नहीं कर रहे, तो 100 में 3 से भाग देके देख लेना, एकदम वेरीफाइड है, होगा ही होगा, है कि ना? हम 10 से तो कर देता है और नहीं तो वहां से लिख लेगा तुम। एक बटे चार कितना होगा? 25%। एक बटे पाँच 20%। एक बटे छः कितना होगा जी? 1/6 16 2/3%। 1/7 कितना होगा? 1/7 कितना रे? 14/7%। अच्छा उसके बाद 1/8 12.5%। अच्छा 1/9 कितना होगा? 1/10 कितना होगा? 10%। 1/10 कितना रे? 10%। 1/11 कितना होगा जी? 9/11%। इतने दूर तक दिया आज, ठीक है, लेकिन सुने, अच्छा इतना तो लिखा तो इतने सा, लेकिन ये याद आपको होना चाहिए भाई, क्योंकि हम इधर ना थोड़ा सा परसेंटेज को थोड़ा बढ़िया से, मतलब प्रॉफिट लॉस बन जाएगा, ऐसा ऐसे ही बन जाएगी, डिस्काउंट सबका दिक्कत नहीं होगा, ये सब लेकिन याद होना चाहिए। अच्छा आए, अब देखो तुम लोग का हम थोड़ा सा इसमें बूस्टर डालते हैं, ठीक है। अच्छा, 1/3 कितना होता है? 1/3 जब कि 33 1/3, तो 2/3 कितना होगा? 33 1/3 को 2 से गुना कर दो, कितना होगा? 33 2 गुना 66। हाँ, ऊपर ले गुना करता है लेकिन 2/6 कितना हो जाएगा? 66 1/33 1/3 है ना, तो क्या 66 2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो, कितना होगा? अच्छा आप बताओ, हाँ सुनो, 3/3 कितना होगा? 3/3 कट के तो 1 आएगा, 100% आ जाएगा। 1/5 कितना परसेंट? 20। तो 2/5 कितना होगा? 40% नहीं होगा, कितना होगा 2/4? 40 होगा ना, देख रहे, हाँ यहाँ ध्यान दो। अच्छा देखो, 1/5 कितना होगा? 20% होता है ना जी। अच्छा देखिए, हेलो, मानते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ढल्ला होता है, लेकिन आप लोग जो है कि 200 तो नहीं ना जी, कितना होगा? खूब से खूब 500 होगा, 50 कितने सा हल्ला, 50 तो होगा, देखो ध्यान, 35 से 40 के अंदर होगा एप्रोक्स। देखो यार, 1/5 20%, यहाँ इसको 2 से गुना करें कितना होगा? 40% में हो जाएगा, तो इसको 2/5 को नहीं कर सकते, 40% कर सकते हो? अच्छा अगर मैं इसको 3 से गुना करूँ क्या होगा? कालिया 3/5 हो जाएगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा?